अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्रिस्पी पकौड़ा रेसिपी, जिसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैं एक कप के करीब बेसन ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी करेंगे बेसन की तो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को भी डबल कर लीजिएगा, ठीक है? ये बताने वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है, सबको पता है। जैसे कि बेसन डबल होगा उसी तरह बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डबल हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कप के करीब बेसन लिया है। बिल्कुल लेवल नहीं है लेकिन अराउंड वन कप है। अब मैं इसे छान लूँगी और यहाँ मैं इसे अब छानने लगी हूँ। झिक 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 झिक। तो देखिए जल्दी से छन गया है बेसन और जी जनाब, तो यहाँ पर हमारा बेसन छन गया है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपने ट्राई करी है और ट्राई करी कैसी बनी, कैसी लगी सबको आज की ये क्रिस्पी पकौड़ा की रेसिपी। और आप लोग अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कुछ नहीं जाना है, रमजान है, प्लीज़ नहीं है कमाई है। तो यहाँ पे हमारा बेसन चल गया है। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। बेसन लिया हमने एक कप, कुटी लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून, चाट मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 3/4 टीस्पून। और उसमें से भी मैं रोक कर डाल रही हूँ कि चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे पानी डालकर घोल लेंगे। साथ ही मैंने आलू के पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। स्लाइस इतना पतला होना चाहिए कि पीछे से आपकी फिंगर का शेड नज़र आए, वरना फिर आपके पकौड़ास क्रिस्पी नहीं बनेंगे अगर स्लाइसेस मोटे होंगे। तो आप चाहें तो इसके लिए स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो वैसे छुरी से काटे हैं, आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं जिस तरह मैंने कट किया है। बेसन को मैंने घोल लिया। तो ये देखिए बेसन मैंने घोल लिया है। अच्छा, इस बेसन को घोलने के लिए मैंने 1/2 कप वाटर लिया था। आप अपने हिसाब से घोल लें जितना आपको रखना हो गाढ़ा और जितना पतला। और यहाँ पे मैं ये मज़े मज़े के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और देखें इनका कलर कितना प्यारा गोल्डन सा क्रिस्पी सा आया है और कितने फ्लफ़ी बने हैं। ये इतने कोई मज़े की रेसिपी है ना कि मैंने बनाए थे तो मेरे हस्बैंड फ्लैट हो गए। तो इसका मतलब आप समझ लें, जब हस्बैंड तारीफ़ करें किसी चीज़ की तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि मियाँ के दिल का रास्ता उनके पेट से होके गुजरता है। तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, मज़े मज़े के खाने उन्हें खिलाइए और अपनी सारी बातें मनवा लीजिए। और यहाँ पे फ्राई हो गए, मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, जब मैंने निकाल के प्लेट में डाल रही थी तो कड़कड़ करके आवाज़ आ रही थी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने क्रिस्पी और लाइट बने थे वेट के अंदर। जी जनाब, तो अब हमारे पकौड़ास तैयार हो गए और आप देखें कि ये कितने मज़े के खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन फ्लफ़ी सॉफ्ट से क्रिस्पी से बने हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके।